बीआरसी ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले जनपद के तहसीलों में विधानसभावार मतदाता पंजीकरण केंद्रों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने मानदेय की बढ़ोतरी तथा अन्य समस्याओं को लेकर 1 नवंबर से कार्य बहिष्कार कर दिया, जिसके संबंध में एसोसिएशन के जनपद इकाई के सदस्य अवधेश कुमार साहनी ने बताया कि विगत 10 वर्षों से अनवरत मतदाता पुनरीक्षण का डाटा एंट्री का कार्य कर रहे ऑपरेटरों के मानदेय अभी तक नहीं बढ़ाई गई है, जिससे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 1 नवंबर से पूरे प्रदेश में डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया है, जिसके संबंध में जब अपर जिलाधिकारी फाइनेंस एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की समस्याएं जिला प्रशासन से नहीं जुड़ी है, उन्हें किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा नियुक्त की गई है, उन्हीं से वार्ता कर इसका समाधान निकाला जा सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसोसिएशन के अवधेश कुमार साहनी तथा अपर जिलाधिकारी राजस्व राजेश कुमार सिंह ने कहा, अवधेश कुमार साहनी, पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है और इन विधानसभाओं पे बीआरसी के पद पे कार्यरत हैं, वोटर लिस्ट में नाम हटाने और जोड़ने का काम करते हैं। विगत लगभग 10 वर्षों से हम लोग काम करते चले आ रहे हैं, 10 वर्षों से हम लोग बस 8400 रुपये के मानदेय पे काम किया जा रहा है। तो हमारे जो ग्रुप है, हमारे जो अध्यक्ष हैं अंजू वर्मा, उनके द्वारा निर्देश दिया गया है कि इतनी कम मानदेय पे, इन पे इतनी अल्प मानदेय पे हम लोग काम कैसे कर सकते हैं, जबकि आने जाने में ही लगभग 3-4 हज़ार रुपये खर्च हो जा रहे हैं। तो इतने कम मानदेय पर हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। और हम लोग का जो संघ है बीआरसी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने ये बताया कि आप लोग 1 नवंबर से हड़ताल पर रहेंगे और कार्य बहिष्कार करेंगे। और इनके द्वारा ये भी बताया गया कि हम लोगों ने ज्ञापन दिया था DM साहब को 21 अक्टूबर को हुई, और उसको लेकर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, न कोई आश्वासन मिला हम लोग को। इसलिए हम लोग 1 नवंबर से परीक्षण का कार्य संबंधी कोई भी कार्य बहिष्कार कर रहे हैं हम लोग। ये जब तक हम लोग को कोई आश्वासन नहीं मिल जाता है मानदेय वृद्धि का और समय से मानदेय न मिलने का। किसके द्वारा आपकी नियुक्ति हुई, आउटसोर्सिंग पे की? हम लोग की नियुक्ति आउटसोर्सिंग पे हुई है। किस कंपनी द्वारा? नायलट। उससे वार्ता हुई कंपनी से? हाँ, उससे वार्ता हुई है। वो जब हम लोग वार्ता करते हैं नायलट के जो मैनेजर हैं, वो ये बताते हैं कि हम लोग को लेट से ही मानदेय मिलता है, लेट से ही बजट मिलता है, विभाग जो है लेट से ही हम लोग को पैसा उपलब्ध कराता, तभी हम लेट से दे पाते हैं। हमको जब मिलेगा तभी हम देंगे आपको। मैं राजेश कुमार सिंह हूँ, डिप्टी DO हूँ, यहाँ चुनाव का कार्य मैं देखता हूँ, निर्वाचन का कार्य, और ये कल भी हमारे साथ थे। यदि इनको कोई ऐसी शिकायत है या समस्या है तो ये हमसे आकर के मिल सकते हैं। ये बॉडी शॉपिंग के थ्रू आए हैं, थर्ड पार्टी ने इनको सेंड किया है। तो यदि इनकी कोई ग्रीवांस है कि साहब हमें सैलरी कम मिलती है या ऐसी कोई बात है, तो अपनी थर्ड पार्टी से कह सकते हैं कि साहब उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। इसका संबंध सीधे हमसे नहीं है, और अगर ये कार्य नहीं करेंगे या नहीं करना चाहेंगे तो जो थर्ड पार्टी जिससे हमें सप्लाई की गई है, हम उनसे अनुरोध कर सकते हैं कि भाई किसी और व्यक्ति को दिया जाए। इसलिए कि यह कार्य भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर हो रहा है, और ये किसी VRC ऑपरेटर की वजह से ये कार्य को नहीं रोका जा सकेगा।